गर्भावस्था के दौरान प्रोटीन खाने का मन करना यानी नॉनवेज खाना या पनीर खाने का मन करना किसकी तरफ इशारा करता है? हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग फैशन और मॉमी टॉक की। आज की वीडियो एक बार फिर से प्रेगनेंसी वीडियो है और आज की वीडियो में हम एक बार फिर से बात करने वाले हैं कुछ लक्षणों की, जो कि आपको मदद करता है ये जानने में कि गर्भ में बेटा है या फिर बेटी है। एक बात मैं पहले ही बता दूँ, मैं या मेरा चैनल लिंग परीक्षण को बढ़ावा नहीं देते हैं, और अगर आप ऐसा करते हैं या करवाते हैं तो आपको, आपके डॉक्टर को, हॉस्पिटल को सजा हो सकती है। तो मैं बात करती हूँ अपने वीडियोस में कुछ सिम्टम्स की। वैसे तो हम सबको पता है कि जैसे ही कोई कंसीव करती है कोई औरत, तो उसके मन में, साथ में उसके आसपास जो उसके शुभचिंतक हैं, सबके मन में ये जरूर आता है कि आने वाला बच्चा जो है वो लड़का है या लड़की है। और बहुत सारे लोग तो शरीर में आए हुए बदलावों को, आपके अंदर व्यक्तित्व में आए हुए बदलावों को देख के बताते भी हैं, काफ़ी हद तक तुक्का भी लगाते हैं कि घर में बेटा होगा या बेटी। तो हम उन्हीं सिम्टम्स की, उन्हीं लक्षणों की बात करने वाले हैं जो कि हमारे पूर्वजों के अनुभव से हमें मिला है, जब हमारे पास अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं थी या इतनी ज़्यादा हॉस्पिटल की सुविधा नहीं थी। उस टाइम पर भी हम पता कर लेते थे कि घर में बेटा है या फिर बेटी, कंफर्म नहीं लेकिन काफ़ी हद तक तुक्का लगा लेते थे। तो हम उन्हीं सिम्टम्स की बात करेंगे। एक बात मैं पहले बता दूँ, हर किसी का शरीर अलग होता है, हर किसी के लक्षण जो होते हैं प्रेगनेंसी वो अलग अलग होता है, तो ये 100% सटीक तरीका नहीं है, लेकिन हाँ ये काफ़ी हद तक आपको अनुमान लगाने में बिल्कुल मदद कर सकता है। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सिम्टम की अगर मैं बात करूँ तो वो है प्रोटीन की लालसा। जी हाँ, प्रोटीन की लालसा से मेरा मतलब है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपको नॉनवेज खाने का मन होता है, तीखा चटपटा पनीर खाने का मन होता है, ज़्यादातर आपको प्रोटीन की ज़रूरत होती है, तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। एक्चुअली ऐसा माना जाता है कि गर्भ में जो बेटा होता है ना, उसके ग्रोथ के लिए, उसके विकास के लिए ना प्रोटीन की आवश्यकता उसको ज़्यादा होती है। तो जो लड़के होते हैं, अगर उनको प्रोटीन की नीड ज़्यादा होगी तो आपकी बॉडी को भी प्रोटीन की उतनी ही नीड रहेगी, और अगर प्रोटीन की ज़रूरत आपके शरीर को है तो आपको लालच होगा। तो प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपके साथ ऐसा रहा है, हो सकता है आपको प्रेगनेंसी से पहले आपके साथ ऐसा नहीं था। कई बार ऐसा होता है कि जो लोग नॉनवेज नहीं भी खाते हैं पहले प्रेगनेंसी के दौरान, उनका मन हो जाता है, उनको उसकी खुशबू अच्छी लगती है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो उसकी तरफ उनको अट्रैक्ट करता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, हो रहा है प्रेगनेंसी के दौरान कि आपको बहुत ज़्यादा प्रोटीन खाने का मन हो रहा है, स्पेशली नॉनवेज पनीर वगैरह, तो जी हाँ ये एक संकेत होता है कि आपके घर में बेटा है। अब हम बात करते हैं दूसरे सिम्टम की, वो होता है आपके रूखे से हाथ। प्रेगनेंसी के दौरान आपके हाथ पैरों में ये बदलाव आता है कि आपके शरीर से मॉइस्चर कहीं चला जाता है। जी हाँ, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपके शरीर में ऐसा लग रहा है कि मेरा हाथ बहुत ज़्यादा रूखा रूखा सा है, बार बार मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत है, बार बार आपको लग रहा है कि तेल लगाना पड़ेगा, तो भी कहते हैं कि ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। एक्चुअली होता क्या है ना, ऐसा देखिए कोई परमानेंट या कोई फिक्स या साइंटिफिक रीज़न नहीं होता है, लेकिन हाँ ऐसा मानते हैं कि घर में जो बेटे होते हैं ना, उनको कहीं ना कहीं उनके जो हार्मोन्स होते हैं, मेल और फीमेल हार्मोन्स होते हैं, वो एक दूसरे को थोड़ा सा ऑपोजिट होते हैं ना, तो थोड़ा सा दिक्कत देते हैं। यही रीज़न है कि आपकी खूबसूरती भी कम हो जाती है, आपका ग्लो कम हो जाता है, दाग धब्बे फेस पे दिखने शुरू हो जाते हैं। और अगर इसी के बीच में मैं बात करूँ तो मॉइस्चर, जी हाँ आपका मॉइस्चर पूरा खिंच जाता है। तो अगर आपके हाथ थोड़े रूखे सूखे से हैं और बहुत ज़्यादा इस टाइप की दिक्कत हो रही है, तो बिल्कुल ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। नेक्स्ट सिम्टम की अगर मैं बात करूँ तो वो भी बहुत ही खास लक्षण होता है, वो होता है नाक के में बदलाव। नाक के आकार से मेरा मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपके नाक का बिल्कुल स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, जी नहीं। प्रेगनेंसी से पहले और प्रेगनेंसी के इस नाक के आकार से एक संकेत मिलता है कि आपके घर में बेटा है या बेटी। तो आपने क्या करना है, या तो जो इंसान आपको बहुत दिन बाद देख रहा है, प्रेगनेंसी से पहले देखा हो, प्रेगनेंसी के दौरान देख रहा है, या फिर आप अपने फोटो को मैच करा सकते हैं। तो अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान अपने नाक में ये बदलाव दिख रहा है कि प्रेगनेंसी से पहले आपकी नाक जैसी थी, प्रेगनेंसी के दौरान आपकी नाक थोड़ी सी चौड़ी हो गई है, थोड़ा साइज में अगर उसके इंक्रीमेंट हुआ है, थोड़ा इंक्रीज हो गई है ना, तो भी कहते हैं कि ये एक लड़का होने की तरफ
इशारा करता है, तो आप अपने नाक को नोटिस कर सकते हैं अगर पहले से कंपेयर कर सकते हैं, नहीं तो आप फ़ोटो को मतलब प्रेगनेंसी से पहले और अब की फ़ोटो को कंपेयर करके भी जान सकते हैं कि घर में बेटा है या फिर बेटी। तो इस तरीके से भी आप बिल्कुल पता कर सकते हैं कि आपके घर में लड़का है या फिर लड़की। अब हम बात करते हैं एक और बहुत ही खास लक्षण की, वो होता है आपके बच्चे की हलचल। जी हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान देखिए 5वें 6वें महीने से हर किसी को अपने बच्चे की हलचल महसूस हो जाती है। थोड़ा सा ही ऐसा ही लगेगा गैस का गुब्बारा छोटा सा बबल इधर उधर हो रहा है, लेकिन वो फील होना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे आपके पेट में बेबी ग्रो करता है, उसका साइज बढ़ता है ना, तो धीरे धीरे उसका केक, उसका फ्लो होना, उसका हलचल सब कुछ महसूस होता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको अपने बच्चे की जो हलचल है वो बहुत तेज, आपको हलचल पे नहीं ध्यान देना है, आपने ध्यान देना है बच्चे की किक पे, जो वो लात मारता है उस पे। तो अगर बच्चे की लात या फिर जो उसका किक है ना, वो बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही तेज आपको महसूस होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी से भरा हुआ महसूस होता है, तो भी कहते हैं कि ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपको लात का जो प्रेशर है या फिर जो फोर्स है वो हल्का सा महसूस होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं फील हो रहा है, तो कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। इसके साथ एक और चीज़ आप ध्यान दे सकते हैं कि अगर आपको बच्चे के जो किक है ना वो आपके पसलियों के पास ऊपर की तरफ फील हो रहा है, यानी बच्चा नीचे की तरफ है, पैर उसका ऊपर अगर आपको फील हो रहा है, तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। इसके अलावा आप उसके पोजीशन पे भी ध्यान दे सकते हैं। अगर गर्भ में आपका बेटा, अगर गर्भ में बेटा होता है तो वो आपके पेट के निचले हिस्से में, यानी प्राइवेट पार्ट के बिल्कुल पास में आपको अपने पेट के निचले हिस्से में तनाव महसूस होगा, वहीं पर बच्चा महसूस होता है। तो अगर बच्चा आपको अपने पेट के ऊपर वाले हिस्से में महसूस होता है, तो ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। तो ये था आज का वीडियो, जहां हमने बात की 4 खास लक्षणों की, और ये आपको काफ़ी हद तक अनुमान लगाने में मदद कर देता है कि घर में बेटा है या फिर बेटी। तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से कॉमेंट करिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक बार मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं ना तो विजिट करिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे ही वीडियो अपलोड हो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।